हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस रेनबो चेरी ब्लॉसम केक की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है और देखने में इतना ज़्यादा क्यूट लगता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि बस ऐसा लगता है इस केक को देखते रहें। खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम रुई जितना सॉफ्ट बनता है। कॉटन ही सॉफ्ट इसका स्पंज है और खाने में बहुत बहुत लाजवाब है। और इस केक को बनाने के लिए हमें अंडा, बटर या कंडेंस मिल्क की भी ज़रूरत नहीं है। बिना इन चीज़ों के भी ये केक बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी मोल्ड में हमें केक को बनाना है उसे अच्छे से ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह थोड़ा सा मैदा छिड़क सकते हैं। बटर पेपर केक के साथ चिपक ना जाए इसलिए हम बटर पेपर को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हमारा जो केक का मोल्ड है वो तैयार है। अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप फ्रेश कर्ड यानी कि दही लिया है और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर आपका दही खट्टा है तो आप आधी क्वांटिटी में ही यूज़ कीजिएगा दही। तो मैंने यहाँ पे एक कप दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लिया है। इसमें मैं 3/4 कप पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शुगर डिज़ोल्व हो जाए तब तक इसे फेंट लेंगे थोड़ा सा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून एंड दूसरा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से बबल्स आ जाए। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से बबल्स आ गए हैं, एकदम झागदार हो गया है मिक्सचर। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। तो ऐसा ही ऑयल ले जिसका कोई भी स्मेल एंड फ्लेवर ना हो। और 1 टीस्पून हम वैनिला एसेंस ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है जब तक ऑयल और दही का जो मिक्सचर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें ऐड करेंगे 1 1/2 कप मैदा यानी कि 1.5 कप ये मैंने मैदा लिया है। और मैदे को अच्छे से हम छान लेंगे। तो मैंने मैदे को भी अच्छे से छान लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को एकदम हल्के हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैटर है केक का वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो अभी इसमें हमें ज़रूरत के हिसाब से मिल्क ऐड करना है। मिल्क रूम टेम्परेचर पे है। अभी मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, अदरवाइज़ आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से और धीरे धीरे मिक्स करना है। मैंने दूसरा 1/4 कप दूध यहाँ पे लिया है जिसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क ऐड किया है। अभी आपकी दही के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि हमारा मिल्क कितना यूज़ होगा। इससे ज़्यादा भी मिल्क यूज़ हो सकता है या इससे कम भी यूज़ हो सकता है। अगर दही में पानी ज़्यादा है तो मिल्क कम यूज़ होगा, दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मिल्क ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है। और मोल्ड में बैटर को भर के थोड़ा सा टैप एंड लेवल कर लेंगे ताकि बड़े बबल्स निकल जाएं। और ओवन को मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया है। और प्रीहीटेड ओवन में इस बैटर को हम 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तो 25 मिनट्स के बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कच्चा है तो 30 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। तो मेरे इस केक को बेक होने में 30 मिनट्स लगे हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक से। देखिए टूथपिक एकदम क्लियर है, उसके ऊपर कोई बैटर नहीं लगा। तो अब इस केक को हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे अनमोल्ड करेंगे।
तो केक जो है वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो अब इसे हम मोल्ड से एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से केक बाहर आ जाएगा। आइसिंग से पहले इसे हम 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे ताकि एकदम चिल्ड हो जाए। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे शुगर सिरप बड़ी ही आसानी से। 4 टेबलस्पून पानी में 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करना है और बस मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और केक की मैंने 2 स्लाइस कर ली है और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक अंदर से भी बना है। केक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा विप क्रीम लगाएंगे ताकि हमारा केक जो है वो इधर उधर फिसले ना। तो केक की जो टॉप लेयर है वो मैंने नीचे रखा है और जो हमने चीनी वाला पानी तैयार किया है यानी कि शुगर सिरप रेडी किया है उसे हम थोड़ा सा लगा देंगे ताकि हमारा केक एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे विप क्रीम की एक लेयर। आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्रीम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम लगाया है। और जो बॉटम लेयर है उसको भी इस तरीके से शुगर सिरप से सोक करके उसे उल्टा रखेंगे ताकि ऊपर की जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ एंड इवन रहे। और अब इस केक को हम बहुत ही अच्छे से विप क्रीम से कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रीम को फैलाते हुए पूरे केक को हम विप क्रीम से कवर कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और अब इसको फाइनली हम इस तरीके से एक कार्ड से स्मूथ कर लेंगे। आप यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, प्लास्टिक का है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। और देखिए, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। साइड से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और ये लीजिए, हमारा केक बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेनबो स्प्रिंकल्स लिए हैं, उसमें मैंने थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स भी ऐड किए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और पूरे केक को हम इन स्प्रिंकल्स से ही कवर कर लेंगे, तो फिनिशिंग थोड़ी सी कम होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना अच्छे से फिनिशिंग कर सके। और हर तरफ से हम केक को स्प्रिंकल से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया है और इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये रेनबो स्प्रिंकल्स जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, केक पे डालो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अब मैंने एक पाइपिंग बैग में 1 mm स्टार नोज़ल फिक्स किया है, उसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम भर लिया है। तो केक की साइडों में हम इस तरीके से रोजेट्स बना लेंगे और एक बीच में भी हम रोजेट बना लेंगे और इसके टॉप पर आप चेरीज रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश चेरीज ली है, अभी सीज़न में है, काफ़ी मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश चेरीज का यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है केक। वाओ, बहुत ही अच्छा लुक आया है चेरीज लगाने के बाद, अमेजिंग। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखा ना आपने, इसको बनाना बहुत ही आसान है। किसी का भी बर्थडे हो, किसी की भी एनिवर्सरी हो या कोई भी छोटी मोटी सी पार्टी हो, आप घर पे इस तरीके से केक बना सकते हैं। अपने बच्चों को भी ये केक बना के उनको एक छोटी सी ट्रीट आप दे सकते हैं। वैकेशंस चल रहे हैं तो आप उनको भी इस केक को सजाने में हेल्प करवा सकते हैं, तो उन्हें भी मज़ा आएगा। चलिए मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बना है। वैसे इसको काटने का मन नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत बना है ना कि बस इसको देखने का मन करता है। देखा ना कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी है, नाइफ लगाते ही कट हो जाता है। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, एकदम कॉटनी सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी केक है। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बहुत मज़ेदार केक बना है, यम्मी है, सिंपल वैनिला फ्लेवर है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो ये केक कैसा बना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक मस्त रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।